खुफिया तंत्र से मिली जानकारी के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नक्सलियों की एक बड़ी हिंसक योजना को नाकाम कर दिया। शनिवार 26 दिसंबर को मुखबिर से पुलिस को इस बात की पुख्ता सूचना मिली थी। गोंदिया जिले के सालिकसा थाना अंतर्गत आने वाले नक्सल ग्रस्त अति दुर्गम क्षेत्र गेंडुरझरिया पहाड़ी जंगल परिसर में नक्सलियों द्वारा बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विश्व पांसरे के नेतृत्व में C60 सालिकसा कमांडो पथक, BDDS पथक तथा श्वान पथक और नक्सल ऑपरेशन सेल के कर्मचारियों ने गेंडुरझरिया जंगल परिसर के बीच मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान मेटल डिटेक्टर से कुछ संदिग्ध सिग्नल मिले, जिस पर बारीकी से इलाके का निरीक्षण किया गया। इंडिकेशन के बिना पर जमीन के भीतर बिछाए गए IED विस्फोटक दिखाई दिए, जिसे डिफ्यूज करते हुए उस जगह को खोदा गया जहां प्लास्टिक बोरी के अंदर थैला और उसके अंदर एक बड़ा स्टील का कंटेनर था, जिसमें 150 जिलेटिन तथा स्टील डब्बे में रखे दूसरे थैले से 27 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बरामद हुए। नक्सलियों द्वारा पुलिस गश्ती दल पर प्राणघातक हमला करने के उद्देश्य से जमीन के भीतर 20 किलो विस्फोटक छिपाए गए थे, जिसे समय रहते बरामद करते हुए नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। मामले की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी जालिंदर नालकुले कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसी वर्ष 27 सितंबर को गोंदिया जिले के चिसगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले कोसंबी जंगल परिसर में इसी तरह की विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। 3 माह के दौरान यह दूसरा मामला है। गोंदिया से केसरी उजाला न्यूज के लिए रवि आर्य की रिपोर्ट। स्फोटक चीजें कहीं किसी ने छुपा के रखी हैं, तो इस जानकारी के बिना हम लोग वहां पे गए। मेरे साथ में मेरे सहकारी DSP श्री नलकुल थे, BDDS के हमारे टीम थानेदार सालिका साहब बघेली जी, हम लोग साथ में चले गए वहां पे, C60 के हमारे कमांडोज, और हमने वहां पे सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें वहां पे हमारे DSMD में हमें कुछ इंडिकेटर्स मिली, कुछ सिग्नल्स मिले उसमें, तो उन सिग्नल्स की बिना पे हमने उस जगह को हमने थोड़ा वहाँ पे खोदा, तो खोदने के बाद हमें वहाँ पे एक पुराना सा थैला था, उस थैले का तो और एक थैला उसके अंदर एक अंदाजन 20 से 30 किलो के बीच वाला एक स्टील का कंटेनर था, उसके अंदर और एक थैला था, उस थैले में 27 डिटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स और 150 जिलेटिन की कांडिया हमें मिली।